जय माता दी। साथियों, आज हम छिंदवाड़ा से मात्र 30 रुपए में पहुंच गए हैं श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर कोराड़ी नागपुर। साथियों, कहा जाता है कोराड़ी माता मंदिर में माता सती का दाहिना कंधा गिरा था, जिस वजह से यह 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना गया है। यह मंदिर आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसके लिखित साक्ष्य 1908 नागपुर गजेटियर के पेज नंबर 57 पुरातत्व में प्राचीन मंदिर का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा मंदिर में दर्शन किए हैं। यह कोराड़ी मंदिर माता दुर्गा जी के 9 रूपों में से एक रूप माँ महालक्ष्मी जगदम्बा को समर्पित है। इस मंदिर में जगदम्बा माता की मूर्ति विराजमान है, जो स्वयंभू मूर्ति है। मंदिर में माता रानी के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। सुबह के समय चंचल बच्चे की तरह, दोपहर में युवावस्था की तरह एवं रात होते तक वृद्धावस्था के रूप में दर्शाया जाता है। भक्तों द्वारा जगदम्बा माँ को कमल का फूल अर्पण किया जाता है, क्योंकि कमल का फूल माँ जगदम्बा को अति प्रसन्न है। साथियों, यह मंदिर नागपुर शहर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः इस मंदिर तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। साथियों, हमने हमारी यात्रा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे प्रारंभ की थी। नमस्कार मैडम। हेलो, प्रयाग बाबू कहाँ बैठे? ये छिंदवाड़ा से कोराड़ी मंदिर तक ट्रेन का किराया मात्र 30 रुपए है। छिंदवाड़ा से नागपुर ट्रेन का सफर बहुत ही रोमांचकारी है, क्योंकि यहाँ ट्रेन जंगल, नदी, पहाड़, ब्रिज एवं 4 से 5 टनलों से होकर गुजरती है। के 47 मिनट पर कोराड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने का समय निर्धारित है। अरे बैग में एप्पल भी रखे, निकाल लेना, कहाँ गया वो बैग? नहीं नहीं मैडम, रखी थी ना। कोराड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मात्र 2 सेकंड के लिए ही रुकती है एवं स्टेशन का प्लेटफॉर्म नीचे है, अतः स्टेशन में चढ़ने एवं उतरते समय विशेष ध्यान रखिएगा। हमारी ट्रेन कोराड़ी लगभग 1 घंटा लेट पहुँची थी। हम जा रहे हैं साथियों कोराड़ी मंदिर। छिंदवाड़ा से 7 बजे हम ट्रेन पे बैठ गए थे और देखिए रेलवे स्टेशन उतर गए हैं। साथियों, कोराड़ी रेलवे स्टेशन से मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बहुत आसानी से पैदल ही मंदिर पहुंच सकते हैं, बाकी रास्ते पर ऑटो भी मिल जाते हैं। साथियों, कोराड़ी मंदिर छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर है, अतः सड़क मार्ग से पहुंचना भी बहुत आसान है। साथियों, कोराड़ी से वापस छिंदवाड़ा आने के लिए दोपहर 3:30 बजे भी एक ट्रेन है, अतः आप समय पर मंदिर के दर्शन कर दोपहर की ट्रेन से वापस छिंदवाड़ा जा सकते हैं। साथियों, हम कोराड़ी मंदिर पहुंच चुके हैं और ये देखिए एंट्रेंस गेट है कोराड़ी मंदिर का। रेलवे स्टेशन से हम पैदल पैदल आ गए थे कोराड़ी मंदिर, अब हम माता जी के दर्शन करने जाएंगे। चलिए मैडम। साथियों, हमने ले लिए कमल का फूल। प्रयाग, ठीक है। साथियों, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है। दिन में भक्तों की भीड़ नवरात्रि पर अधिक देखने को मिलती है। आम दिनों पर यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। ये देखिए भव्य स्वागत द्वार। नवरात्रि के समय 50,000 से अधिक दीपक यहाँ जलाए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर वृद्धजन एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क वाहन व्यवस्था भी उपलब्ध है। यह मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्व के लिए बल्कि अपनी वास्तुशिल्प सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। साथियों, हम मंदिर पर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर खूबसूरत दुकानें सजी हुई हैं। फोटो विक्रय केंद्र, यहाँ जूते चप्पल का सशुल्क स्टैंड मंदिर समिति द्वारा बनाया गया है। साथियों, ये देखिए भैया कोराड़ी मंदिर कितना साफ सुंदर है। यहाँ दुकानें सजी हुई है सामान खरीदने के लिए और ये हमारे टीम। जय माता दी। जय माता।
माता दी। साथियों अब हम आपको मंदिर से जुड़े इतिहास में लिए चलते हैं। यह क्षेत्र पहले जाखापुर के नाम से जाना जाता था। किदवंतियों के अनुसार जाखापुर नाम अतीत में भटकती आत्माओं से पड़ा था। यह क्षेत्र कभी राजा झोलन के शासन के अधीन था। राजा झोलन के 7 बेटे एवं एक बेटी जय कुमाई थी। राजा झोलन को अपनी बेटी जय कुमाई को देख कर ऐसा लगा कि वह किसी लड़की को नहीं बल्कि मानव रूप में किसी दिव्य देवी को देख रहा हो। जैसे जैसे वह बेटी बड़ी होती गई उनकी मनमोहक सुंदरता पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई और राज्य के हर कोने में खुशहाली छाने लगी। इसी को देखते हुए पड़ोसी राज्य के राजा किराड़ द्वारा बेटी जय कुमाई को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव राजा झोलन को भेजा, परंतु राजा झोलन यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, जिससे किराड़ एवं झोलन के राजाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा झोलन ने किराड़ के राजा को पराजित कर दिया। इस युद्ध में विजय दिलाने पर राजा झोलन की बेटी जय कुमाई की भूमिका थी। युद्ध के बाद विजयी राजकुमारी जय कुमाई राज्य वापस लौट आई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के समय वह एक दिव्य रूप में बदल गई। यह स्थान जहां वह परिवर्तन हुआ था आज दत्तासुर के नाम से जाना जाता है। साथियों मंदिर से जुड़ी यह एक कथा प्रचलित है, इसकी जानकारी आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट में भी देख सकते हैं। साथियों मंदिर का बहुत सुंदर एवं भव्य जीर्णोद्धार किया गया है। राजस्थान के धौलपुर से लाए गए पत्थरों से मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। यह मंदिर का शिखर है। मंदिर के पत्थरों में सुंदर कलाकृतियां बनाई गई है। बहुत अच्छी वास्तुशिल्प बना हुआ है। आओ प्रयाग, हमारा प्रयाग भैया इधर देखो, इधर देखो कमल का फूल लेके आते हुए महादेव दर्शन करने। साथियों यह मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह को चांदी से सजाया गया है। माता जी की स्वयंभू मूर्ति के दर्शन आप दोपहर के समय कर रहे हैं। यह मंदिर का सुंदर सभा मंडप है। यहां लगभग 300 से अधिक व्यक्ति एक साथ माता जी की आरती कर सकते हैं। साथियों यहां मात्र 50 रुपए में मंदिर समिति द्वारा भोजन प्रसाद वितरण किया जाता है। जय माता दी। चलो आ जाओ। साथियों कितना बड़ा पंखा है। साथियों कोराड़ी मंदिर में वर्चुअल रामकथा का निर्माण राम मंदिर में किया गया है जो दर्शनीय है, परंतु हमें रामटेक जाना था इसलिए हम समय के अभाव के कारण कोराड़ी मंदिर से मात्र 48 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन रामटेक मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। यहां भगवान श्री राम जी द्वारा प्रतिज्ञा ली गई थी। रामटेक मंदिर की पूरी जानकारी आप अगली वीडियो में देखेंगे, अतः आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।